अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी हमारे घर पे जो है ना हो रही है कुकिंग, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। और आज फासिया ने और वो जो मेरी मेड है, आज उन दोनों ने मिलके नाश्ता बनाया है। और ये अंडे, डबल रोटी और ऑयल सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। बस अभी जो है ना मैंने खाना चढ़ा दिया है, अचार गोश्त, अदरक लहसुन डाला ऑयल में, टमाटर डाले हैं और साथ साथ जो है ना इसको बस भूनेंगे। फिर उसके बाद चिकन जाएगी, अदरक लहसुन का थोड़ा सा देखें पेस्ट, जो पानी है वो बाद में डालेंगे। ये जब भैया मेरे पास बैठे हुए, पहले किचन में बैठे हुए थे, मैंने बोला किचन से आप चले जाओ, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बैठ जाओ। हाँ, कहाँ चले जाओगे? कहाँ? हर वक्त ऑफिस नहीं जाते? सदीम को नहीं बताऊं? पापा ने पता नहीं मजाक किया शायद आपके साथ। हाँ, मजाक किया होगा, पूछ कर आओ, सीरियस हैं वो। इमा पे किसके लिए पानी लेके जा रही हो? टीचर के लिए। अच्छा, जाओ। चलें जी, अब जो है ना ये इसमें डालते हैं। हर किसी का मेथड अलग है, और मेरी अम्मी जिस तरह बनाती थी मैं तो बिल्कुल वैसा ही बनाती हूँ। और अचार गोश्त का टेस्ट जब तक अम्मी बोलती थी खट्टा ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। तो दही जो है ना मैंने रात में ही मंगा ली थी और रात में ही मैरिनेशन करके रख लिया था। अब डालते हैं इसमें बर्फ, क्योंकि पानी जो है ना गर्म है। हाय, डालते हैं इसको पहले। हाँ सर, टीचर आ गई हैं। अब पानी ठंडा टीचर को पिला दो, अदीमा लेकर गई थी वो था गरम काफी, सही है। अब देखें जनाब, इसका कलर परफेक्ट कलर आ रहा है, क्योंकि इसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ें, और सौफ, कलौंजी जो है वो भी, कलौंजी जो भी बोलते हैं, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो जब तक ये चीज़ें ना ऐड करो ना, हम भले चाहे जितना डब्बे यूज़ कर लें मगर कलर परफेक्ट और जायका, ये सब चीज़ें नहीं आती। तो घर के मसाले में बस मैंने रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक और साथ साथ कलौंजी, सौंफ ये डाल दिए हैं। तो अब इसको जो है ना भुनाई शनाई करते हैं, फिर हल्की आंच पे रखेंगे और आखिर में जाएंगे धमाका चिलीज। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, आ जाओ यहाँ। सबसे आसान काम पहले लगता था मुझे कुकिंग, प्रेसिंग, और आजकल गर्मियों में तो सबसे मुश्किल लग रहा है। ओ लड़की, सारे टिश्यू तुम ही खत्म करती हो, जरा सी नोजी साफ करेगी और बस टिश्यू उठा के फेंक देगी, फिर इतने बड़े बड़े बंडल्स सारे खत्म कर देती है एक हफ्ते में, इतनी सी नोजी आती है तुम्हें। इधर आओ, इधर तो आओ, सूट दिखाएंगे मम्मी तुम्हारा, हमारे कपड़े दिखा रही हूँ, आ जाओ। अदीमा की ड्रेस इतनी खूबसूरत सी है, अदीमा आओ तो सही, इधर तो आओ, मेरी जान नहीं, मेरा बेटा नहीं है।
है ना, ये पतलो रानी हमारी, ये इतनी सी नोजी साहब ऐसे बस एक्शन मारती करके और सारी जो है ना टिश्यू खत्म करते, टिश्यू दिखाओ आइए देखें, ये बस ऐसे यूं करेगी, बस पसीना साफ करेगी पतलो रानी। माशाल्लाह कितने साल की होगी ये, 9 ईयर की है ये, 9 ईयर की होने वाली है, मगर देखे छोटी सी कितनी लगती है उसकी बर्थडे पहली सी। अदीमा टीचर ने बोला कि दीदी सदी और अदीमा को दोनों मैंने साथ ही पाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जाओ मुबारक को, ये हमारा स्विच खराब हो गया, एक वो वाला था वो भी खराब हो गया, खड़े होके करते थे प्रेस, अब ये भी खराब हो गया, की करिए। बहरहाल इजब भैया जो है जिद कर रहे हैं अपने पापा के साथ, ओ फिश इमा पी नाराज हो गई है, इमा पी इसकी 9 साल उम्र बता दी, अच्छा 5 साल की हो तुम बस, अच्छा नहीं सॉरी अच्छा ये नाराज बहुत जल्दी होती है, इसका ये तभी बढ़ती नहीं है, ये मोटी भी नहीं होती है। मापी की पोनी तो देखें, अभी इसमें थोड़े दिनों में खजूरें आएंगी और हम तोड़ तोड़ के खाएंगे अच्छा नहीं आज भी नया सूट पहनना अदीमा, ठीक है ओके। अदीमा की वॉच तो देखो लो, टाइम भी नहीं बताती सही वाला, अदीमा की वॉच, ये तोतला जो है ना, ये मेरा तोतला बेटा मेरा शहजादा जी। देख लेते हैं हम अपना खाना कहाँ रेडी होगा, बस जी होने वाला है का लालची, नहीं देना इसको, मुझे दे दो नहीं देना इसको, ये मेरे पास आता ही नहीं है, दे दो बस सही है, जा अरे बहू नहीं लेकर आऊंगी क्या, सारी जिंदगी मैंने काम करना है घर के, हाँ शादी करा रही हूँ मैं, इसकी लड़की पसंद कर रही हूँ बस, कोई मिल जाए तो फिर कैसा, आजा मेरा बेटा, पापा की तरह इसको ऐसे फोल्ड करो क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी बस आप लोग दुआ कीजिएगा मुझे अच्छी सी बहू मिल जाए पूरी मी सब की तरह भोली भाली सी, हैं क्या ख्याल है, कोई ढूंढू पंजाब से, ढूंढू तुम्हारे लिए, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, कहाँ से, अमेरिका की चाहिए सबके अमेरिका वाली अंग्रेज जो मुझे बोलेगी हाउ आर यू, मुझे अंग्रेजी में गालियां दे तो मुझे पता भी ना चले वो मुझे बोल क्या रही है, हाँ ओ ऐसा तुम बोलोगे डार्लिंग प्लीज प्लीज, नाश्ता क्या बनना है ऐसे बोलोगे, डार्लिंग बोलोगे अपनी बीवी को, ये ऐसे ये देखे अभी शीशे पे देख के यूं करेगा, अच्छा मेरा छोड़ो हमें हम सताए, चश्मा में पहनेगा भी देखेगा, चश्मा नहीं होता चश्मा होता है, अरे इसलिए मैं तुझे लगा रही हूँ किसी लड़की को देखे तो पता ना चले किसको देख रहे हैं, सही है पापा पे फुल नजर रखा कर, ठीक है बेटा, मियाँ जी का हुक्म है मेरे जूते साफ करो ताकि मैं चाहूँ, मुझसे बड़े हो हाँ। मेरे पापा के साइज
जब भैया मुझे छोड़ के जा रहा है। अच्छी बात है, जब भैया मुझे चले जाओ, सदीम भी बोल रहे कि चलो यार मैं मजे करूंगा तुम लोगों के साथ, आराम से खुश होके देख रहे हैं उसको, होश ही नहीं है तुम्हारा। अपने लिए एक चॉकलेट लेके जाना है। नहीं यार इधर नहीं रखी, फ्रीजर पे रखी है। तो चले जी, अब जो है ना हमारे ईचा भैया और इनके पापा दोनों चले गए ऑफिस, नीमा भी, सदीम और आजिया, हम तीनों घर पर हैं। दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब हम लोग सही मायनों में इनके पापा के जाने के बाद काम करते हैं। और अब जो है ना हम लोग करते हैं काम। आज दीमा ने बोला मैं भी थोड़ी हेल्प कराऊंगी, है ना दीमा, हेल्प क्या कराएगी, बस मैंने उसको बोला हेल्प कराने में सिर्फ एक हेल्प करानी है, वो ये कि आपने नाराज नहीं होना, वरना भी ये नाराज हो जाती है, हर 2 मिनट में इसकी कोई ना कोई चुचला शुरू हो जाता है। तो आज जो है ना इसने प्रॉमिस किया मैं नाराज नहीं होगी, है ना भाई, मैं नाराज नहीं होगी, वो बस अपना अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। आज इंट्रो खासियत ने थोड़ा सा चेंज किया है और माई मोस्ट फेवरेट गाना था वो, तो पाकिस्तानी सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त गाना है, तो वो अक्सर मैं कभी कभी सुनती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा आज खासियत ने जो है ना चेंज किया है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।